हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। बिना देर के वे शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन कि कल के करंट अफेयर्स वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बैंकों का मर्जर हुआ है उसके अनुसार क्या क्या किस किस बैंक की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन रहेंगी। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि वो कौन से 12 बैंक हैं टोटल जो अब बचे हैं एकीकृत होने के बाद, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है टोटल 12, वो तो उन सब की लिस्ट हमने वीडियो के लास्ट में रखी है, हम आपको बताएंगे। ओके, और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में कितने लोगों की मौत की आशंका जताई है? कम से कम इसका आंसर होगा 1 लाख से ज़्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कोविड-19 जिस तरह से अमेरिका में फैला है, ऐसे में अगर 1 लाख या इससे ज़्यादा मौतें हुई तो कहेंगे हमारा जो है गुड जॉब था। मतलब मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अगर 1 लाख तक काबू कर लेते हैं या 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कहेंगे ठीक काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है बचाव में। ओके, देखिए अगले 2 हफ्ते में वहाँ पर मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन है वहाँ पर 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। 10 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं वहाँ पर, बहुत बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं टेस्ट, इसलिए भी पता चल रहा है कि कितने गंभीर रूप से लोग बीमार हैं। इंडिया में उतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट अभी नहीं हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद की स्थिति बहाल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, कमेटी बनाई है? इसका आंसर होगा पीके मिश्रा। वो कौन है? तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं। और ये जो उच्च स्तरीय समिति है वो देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सुधार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय को सुझाव देगी। और ये जो समिति है उसमें बहुत सारे कार्यबल भी बनाए गए हैं अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में भी एक कार्यबल समूह का गठन किया जो चिकित्सा उपकरणों दवाओं के उपलब्धता पर ध्यान देगी। ओके, तो देखिए केंद्र सरकार ने वैसे तो ये कहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा, ये उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने की कोई योजना है, जैसा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने यानी राजीव गौबा ने ये कहा था। लेकिन जो दुनिया भर के हालात हैं और जिस तरीके से भारत में अब कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं, और अब जो लेटेस्ट मामला हुआ है निजामुद्दीन मरकज वाला, तो उसके बाद बहुत सारे देश में जो है उसके पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। दुनिया की अगर बात करें तो जैसे देखिए कि ब्रिटेन ने ये कहा है, यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा है कि अगले 6 महीने तक वहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि अगले 6 महीने तक लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम समय समय बताएंगे। हर तीसरे सप्ताह इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये हालात है, और दुनिया के पूरी दुनिया में कहिए तो लॉकडाउन की स्थिति है। तो इंडिया में इतनी जल्दी लॉकडाउन समाप्त होना मुझे लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। लॉकडाउन हो सकता है कुछ हफ्ते और बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के असर से दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस साल मंदी झेलनी पड़ी, लेकिन चीन और किस देश को असर ना पड़ने की उम्मीद जताई गई है इस रिपोर्ट में? इसका आंसर होगा भारत। देखिए रिपोर्ट जो है यूएन की है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और रिपोर्ट का नाम क्या है? तो द कोविड-19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स वाट एवर इट टेक्स प्रोग्राम फॉर द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो ये रिपोर्ट का नाम है। और देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दो देश जो है वो रिसेशन यानी मंदी से बच सकते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है कि वैश्विक मंदी से भारत और चीन जो है कैसे बचेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल है और ऐसे में एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरी दुनिया। और भारत में इतने दिनों की जो लॉकडाउन होगा उससे हालात आगे ख़राब भी होंगे आर्थिक रूप से। भारत सरकार भी समझ रही है, इसीलिए तमाम जो है वो आर्थिक रूप से जो मदद कर रही है जनता को, कोशिश कर रही है वो सब है। ओके, देखिए
इसमें ये भी नहीं लिखा गया है रिपोर्ट में कि इंडिया और चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, जैसे जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो सब रुक जाएंगे, कई सारे प्रोग्राम्स थे जो कि अगले 3, 4 या 5 साल के लिए आगे खिसक सकते हैं। भारत में जो है वो गरीबी थोड़ी बढ़ सकती है और इसके अलावा रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि दुनिया में जितना नुकसान होने वाला है उससे कम नुकसान होगा इंडिया और चाइना को। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मर रहे हैं वो अपनी जगह है। मौत कितनी होती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन जब भी COVID-19 को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे उसके बाद हमारा संकट इकोनॉमिक रिसेशन होगा, यानी आर्थिक मंदी होगा। और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको काफ़ी लॉस होगा, जिससे बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सब की बहुत ख़राब स्थिति होगी। आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और चीन और कुछ ही देश हैं जो लगभग इससे उबरने की कोशिश है, उबर चुकी है। जैसे चीन में बहुत बड़े हिस्से में लॉकडाउन नहीं है, बीजिंग में नहीं है, वो सब बचा हुआ है कोरोना की वजह से। और मैंने बताया आपको कि किंगडम ने, यानी यूके ने, यानी ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि 6 महीने तक लॉकडाउन रह सकता है। रूस, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि रूस ने अपने आप को कोरोना से काफ़ी कुछ बचा कर रखा है, बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन है, लेकिन वहाँ भी रूस भी अब लॉकडाउन के रास्ते पर है। यूएस ने ऑफिशियली लॉकडाउन तो नहीं कहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति जो है वहाँ पर, वो लॉकडाउन की स्थिति है। ओके, यूरोप की हालत ख़राब है, मेजर इकोनॉमी जो है एक्टिविटीज ठप हैं दुनिया भर की, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ख़राब हालत है। और ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कंपनियों की हालत ख़राब होगी, वो कहेंगे कि हमने जब कमाया नहीं तो कैसे लोगों को रखें। बैंकों की स्थिति ख़राब होगी, क्योंकि बैंकों से लोन लिया हुआ है लोगों ने, कंपनियों ने, क्योंकि बैंक लोन देकर ही अपनी कमाई करते हैं, तो जब उनको रीपेमेंट नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे जो बैंक हैं यूरोप, अमेरिका के, उनकी स्थिति ख़राब हो जाए। अगर सरकार मदद करती है, उसको बचाती है, तभी वो बच पाएंगे। तो देखिए, 2008-09 में जो क्राइसिस हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी, उससे भी ज़्यादा होने की आशंका है। ओके, और एक और गंभीर बात है कि एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो एक देश जो सामान बनाता है वो दूसरा देश खरीदता है, ऐसा है, इसी में इकोनॉमिक जो गतिविधि है वो दुनिया भर की वो चलती है। तो इंडिया चाइना की बात कर लेते हैं। देखिए, चीन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हमने बताया आपको कि बीजिंग और शंघाई में लॉकडाउन नहीं हुआ है, और सिर्फ हुबी प्रोविंस में ही लॉकडाउन किया गया था। और चीन तो अब मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से शुरू कर रहा है वहाँ, वो जो है चीन जो है वो कोरोना वायरस से एक तरह से वो लगभग उबर चुका है, दिखाने की तो यही कोशिश कर रहा है, अंदर अंदर क्या बात है। अब ये एक्चुअल स्थिति, लोगों को संदेह होती है कि एक्चुअल स्थिति क्या है, लेकिन जो देख रहे हैं हम लोग। और अगर ग्लोबल डिमांड कम होती है तो कंपनियों को वहाँ भी नुकसान हो सकता है, हालांकि कहा जा रहा है कि इसको वो टिकल कर सकता है, कुछ कंपनियां बर्बाद होंगी, लेकिन फिर भी वहाँ की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि चीन के पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, 3.107 ट्रिलियन डॉलर उसके पास रिजर्व है। और इंडिया में COVID-19 का जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसका मामला कम है, नहीं के बराबर है, कम से कम अभी तक तो यही स्थिति दिखती है। हालांकि जो दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के जो मरकज, उसमें शामिल जो लोग थे लॉकडाउन में, वो वहाँ 2000 लोग रुके थे और विदेश से कई लोग आए थे, तो उसकी वजह से कोरोना वहाँ पर फैला और देश भर में कोरोना के पॉजिटिव के मामले थोड़े से अभी अचानक से बढ़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्थिति उम्मीद है कि पटरी पर आ जाएगी, इसी वजह से लॉकडाउन किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। अगर जीडीपी में एक्सपोर्ट के हिस्से की बात करें तो 2014-15 में ये 15% था जीडीपी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी, लेकिन वो लगातार धीरे धीरे सरकार में कम हुआ है, जैसे 18-19 में वो घटकर 11% के आसपास रह गया। तो मेन खतरा ये है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, हालांकि सरकार ने कहा है कि 21 दिन में लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर कोरोना वायरस इंडिया में कंट्रोल नहीं होता है
और लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती है तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी बात मुझे लगी कि इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना चाहिए। यूएन की रिपोर्ट एक कह रहा है कि इंडिया चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्थिति तो गड़बड़ होगी ही। हाँ, जैसे दूसरे जो डेवलपिंग कंट्री है उनके मुकाबले स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने किस देश पर लगाए गए परमाणु प्रतिबंधों को 30 मार्च से अगले 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा ईरान। ठीक है, देखिए प्रतिबंधों का मुख्य मकसद क्या है, तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ठीक है, और कोरोना वायरस की वजह से हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा था कि ईरान पर जो प्रतिबंध है उसको छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग बीमार हैं, वहाँ पर इन्फेक्टेड हैं। हालांकि अमेरिका ने खारिज कर दिया था और उसने जो है वो ये प्रतिबंधों को आगे भी किया है। तो अमेरिका ने जो है वो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उसको 2018 में रद्द करते हुए ये प्रतिबंध लगाया था, और लगातार जो है वो समय समय पर इसको बढ़ाता है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बहुत लंबे समय से है, आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोस में। एक मिसाइल से ईरान के एक बड़े कमांडर को अमेरिका ने मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका परवई मुनियम्मा, उनका निधन हुआ है 28 मार्च 2020 को, तो किस राज्य से थी? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, वो तमिल लोक गायिका और एक्ट्रेस थी। उनकी उनका एक गीत है मदुरई वीरन, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। 50 से अधिक फिल्मों में भी काम कर चुकी थी और ज़्यादातर में उन्होंने दादी की भूमिका निभाई थी। ओके, अब कई सारे जो आप वहाँ उधर के साउथ की फिल्में देखते होंगे आप यूट्यूब पे, तो आपको इनका चेहरा ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर होगा राजस्थान। कब स्थापना हुई थी राजस्थान की? 30 मार्च 1949। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से मशहूर कॉमेडी एक्टर केन शिमुरा का निधन हो गया है हाल ही में, तो वो किस देश से थे? आंसर होगा जापान। 70 ईयर के थे और जापान में कोरोना वायरस से किसी सेलिब्रिटी की ये पहली मौत बताई जा रही है। ओके, काफ़ी पॉपुलर थे, कॉमेडियन थे जापान में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की हुई है? आंसर होगा 5 वर्ष। देखिए, इस मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई तकनीक को विकसित करना है। भारत को अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनना है, ऐसा लक्ष्य बनाया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर। और इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि रणनीतिक और आर्थिक फायदे भी बहुत सारे होंगे। तो ये एक योजना मिशन के लिए ये फंड किया गया इतने सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विभु प्रसाद कानूनगो का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 1 साल। 1 साल के बढ़ाया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह फैसला लिया है। और विभु प्रसाद कानूनगो उनका कार्यकाल कब समाप्त होने वाला था? तो 2 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाला था, तो अब उनकी सर्विस यानी सेवा 3 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, और वो कब डिप्टी गवर्नर बने थे? तो 3 अप्रैल 2017 को बने थे और अब वो 2021 तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका आंसर होगा उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, 27 मार्च को ये शामिल हुआ नाटो में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। मर्जर के बाद जो 12 बैंक बचे हैं तो कौन कौन से हैं? ओके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे, हमने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था कल के वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और जिन्होंने देखा है उन्होंने कई सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे बड़ा बैंक जो 12 बचे हैं टोटल हैं,
कभी 27 हुआ करते थे, अब 12 है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकेंड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसमें ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया। तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। चौथा सबसे बड़ा बैंक है देश का, जो पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, केनरा बैंक। इसमें सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है आज के दिन से, यानी 1 अप्रैल से। पांचवा सबसे बड़ा बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को भी मर्ज कर दिया गया है, ओके। छठा जो सबसे बड़ा बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। सातवां सबसे बड़ा बैंक है इंडियन बैंक, ओके, उसमें अलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया। आठवां सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नौवां बैंक है आर्थिक रूप से अगर देखें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दसवां जो है वो यूको बैंक है। ग्यारहवें नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 12वें नंबर पर है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 बैंक बचे हैं, और इसका जो बिजनेस साइज है वो हमने आपको बताया। तो ये सब ध्यान रखना आप एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप 2019 का करेंट अफेयर्स ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2020 का भी जनवरी फरवरी का अवेलेबल है करेंट अफेयर्स, ओके। और हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स, तो उसका पीडीएफ मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर दीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलते हैं सुबह 6 बजे।